जब गोश्त गोश्त ना रहा और यार ने मुझे मटन बनाने को कहा, तब दही के साथ नीचे लिखे मसालों को कूट कर मैंने मटन को दिया नहा। अब खड़े मसालों के साथ मटन ने तेज आग पर कच्ची की स्पैंकिंग को भी सहा। फिर प्याज टमाटर लहसुन मिर्च काजू को उबाल पीस कर एक पेस्ट अंदर दिया बहा। अब पानी मिलाकर एक आध घंटे वो काम कराए वहां। फिर वापस आकर गुप्त मसालों के साथ धनिया गिराए यहां। अगर आपका दोस्त आपको ऐसा गोश्त पकाकर नहीं खिला रहा तो ऐसी दोस्ती को करे स्वाहा और खुद पकाकर करे आहा।